नाबालिग से गैंगरेप के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, एक आरोपी का मकान गिराया गया है। बता दें मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है। एक आरोपी का मकान गिरा दिया गया है और वहां अभी भी पुलिस बल तैनात है। देखिए कि किस तरह से घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है और एक आरोपी का घर गिरा दिया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मेरे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित शर्मा, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल अलीशा, देखिए आपको बता दूं कि दो दिन पहले एक नाबालिग के साथ तीन आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसे लेकर के लगातार प्रशासन से राजनेताओं के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही थी और बीते रोज भी महिला मोर्चा के द्वारा, भाजपा और युवा मोर्चा के द्वारा लगातार ज्ञापन दिया गया था, जिसे लेकर के आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया है। वहीं दो आरोपियों के मकान पर अभी भी बुलडोजर चल रहा है। जी, देखिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।